हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और अगर आप यहां पे एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन को यहां पर यूज करते हो, तो मित्र ऐप एप्लीकेशन को लेकर एक नया अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। जस्ट अभी भी मित्र ऐप एप्लीकेशन का जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है मित्र ऐप एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही सुना, जस्ट अभी भी यहाँ पर जो है मित्र ऐप एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वर्जन 5.22 का। इससे पहले जो आप यहाँ पे वर्जन यूज कर रहे थे वो यहाँ पर यूज कर रहे थे वर्जन 5.21 का, यानी कि 522 का यहाँ पर जो है नया अपडेट वर्जन आ चुका है। इससे पहले आप यहाँ पे ओल्ड वर्जन आप जो यूज कर रहे थे उसको आपको हटा लेना है और ये जो लेटेस्ट वर्जन आया उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर मित्रा एप्लीकेशन का ये लेटेस्ट वर्जन में क्या कुछ यहाँ पर नया ऑप्शन को ऐड किया गया है या यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर जो है नया बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नया बदलाव किया गया है वो यहाँ पर बदलाव किया गया है डिजिटल सिम स्वैप को लेकर। डिजिटल सिम स्वैप के अंदर एक जो है नया अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो अभी तक आप डिजिटल सिम स्वैप करते आ रहे थे, ग्राहक का खोया हुआ सिम कार्ड को रिप्लेस करते आ रहे थे, चालू करते आ रहे थे, वो यहाँ पर करते आ रहे थे DKYC के द्वारा, यानी कि कस्टमर का डॉक्यूमेंट अपलोड करके और कस्टमर का लाइव फोटो यहाँ पर जो है अपलोड करके आप यहाँ पे कस्टमर का रिप्लेस कर पा रहे थे सिम। लेकिन अब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिजिटल सिम स्वैप के अंदर यहाँ पर आपको EKYC का ऑप्शन, यानी कि अंगूठा लगाकर आप जो है ग्राहक का सिम कार्ड को रिप्लेस कर पाओगे EKYC के द्वारा। यहाँ पर ग्राहक का आधार नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर डालकर जो है आप अंगूठा लगाकर रिप्लेस कर पाओगे। तो ये अपडेट मेरे को काफी बेहतर लगा और ये अपडेट जो है मेरे पे है या फिर नहीं वो मैं चेक करके आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट मेरे को नहीं मिला है। पहले मिला था लेकिन यहाँ पर जब मैं MNP नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो है अपडेट आपको जानकारी दे दिया जाए क्योंकि ये अपडेट मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से मिला है। तो हो सकता है आपके एरिया में अगर यहाँ पर आपका जो है डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन चालू हो तो आपको ये देखने को मिल जाए। तो आप नीचे कॉमेंट करके बताना, चेक करके बताना कि क्या यहाँ पर आपको ये ऑप्शन के अंदर EKYC का ऑप्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको मिला है डिजिटल सिम स्वैप का ऑप्शन तो आप नीचे कमेंट करके बता देना ताकि मेरे को ये पता चल सके कि यहाँ पर ये 101% यहाँ पर सभी रिटेलर भाई को मिल चुका है। चलिए अब फाइनली यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर नया वर्जन आया है लेटेस्ट वर्जन उसको आप यहाँ पे कैसे डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा काम करना है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आपको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसका लिंक आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया है। आपको ये लेटेस्ट वर्जन न्यू वर्जन का लिंक आपको जो है प्ले स्टोर पे नहीं देखने को मिलेगा, तो जाकर जो है सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये लेटेस्ट वर्जन का लिंक देखने को मिलेगा। तो आपको उस पर टैप करना है, डाउनलोड करना है आपको और डाउनलोड करके आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो इजीली अपने स्मार्टफोन पे और लेटेस्ट वर्जन को आप चला सकते हो। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।